Hello everyone, I am Chandraman Pundir, Java Android Developer and Trainer. 30 Day of Code Challenge की इस वीडियो सीरीज के अंदर आज हमारी ये तीसरी वीडियो है जो कि है Day 2 Operators in Java. तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं. तो जैसा कि आप लोग चलिए तो Day 2 Operators. So, यहाँ पर हमें एक ऑब्जेक्टिव दिया हुआ है, एक टास्क है एज यूजुअल, इनपुट फॉर्मेट आउटपुट फॉर्मेट सैंपल इनपुट सैंपल आउटपुट. ठीक है, तो चलिए देखते हैं करना क्या है आज हमें. तो हम टास्क को रीड करेंगे. तो गिवन द मील प्राइस दैट इज द बेस कॉस्ट ऑफ मील, टिप परसेंटेज ऑफ द मील प्राइस एंड द टैक्स परसेंटेज. तो करना क्या है बेसिकली यहाँ पे हमें तीन चीजें देखो. पहला है मील का एक्चुअल कॉस्ट जो होगा हमारा, उसके बाद कितना टिप परसेंटेज दिया गया उसमें से, प्लस उसमें से ही कितना हमने उसका टैक्स परसेंटेज दिया. तो जब हम इनकी टोटल कैलकुलेट करेंगे, मतलब मेल प्राइस प्लस जो भी उसका परसेंटेज होगा आपका टिप का वो, प्लस जो भी परसेंटेज होगा हमारा टैक्स का वो, इन तीनों को जोड़ने पर हमारा टोटल कॉस्ट आएगा और हमें फाइनल आउटपुट होगा. तो मतलब देखते हैं एक बार इनपुट फॉर्मेट में क्या बोल रहे हैं कि हमें फर्स्ट लाइन में डबल लेना होगा दैट इज मेल कॉस्ट, सेकेंड लाइन में एक इंटीजर लेना होगा जो कि टिप परसेंटेज नाम से, और मतलब ये वेरिएबल्स है हमारे मील कॉस्ट टिप परसेंटेज टैक्स परसेंटेज, और थर्ड लाइन में भी हमें एक इंटीजर लेना होगा. ठीक है, तो पहला वाला होगा मील कॉस्ट जो मील का कॉस्ट होगा इनपुट में, दूसरा होगा हमारा टिप का परसेंटेज, थर्ड होगा हमारा टैक्स का परसेंटेज. तो जैसे कि हम एक सैंपल इनपुट को देखते हैं क्या होगा. मान लीजिए अगर मैंने 12 लिखा तो 12 इज माई मील कॉस्ट, नेक्स्ट नेक्स्ट लाइन में हमारा आएगा टिप कॉस्ट मतलब टिप का परसेंटेज, तो दैट इज 20%. तो हमने 20 डाला, और अगर हमारा मान लीजिए जो टैक्स है वो 8% है तो हमने आउटपुट इनपुट में 8 डाला. तो उसके बाद आउटपुट जो आना चाहिए वो कुछ ऐसा आना चाहिए कि द टोटल मील कॉस्ट इज $15. दैट इज जो भी हम इसको कैलकुलेशन करेंगे, मतलब $12 पे फिर 20% टिप का हो जाएगा, फिर 8% हमारा उसके टैक्स का हो जाएगा, फिर टोटल कैलकुलेशन करने पे हमारा जो भी है वो $15 आउटपुट आना चाहिए राउंड ऑफ करके. ठीक है, सो हियर इज द फॉर्मूला. चलिए आगे बढ़ते हैं, आप लोग देख सकते हैं अगर आपको कोई डाउट हो तो इसमें. तो हम सीधा प्रोग्राम पे आते हैं. तो यहाँ पर एज यूजुअल हमें एक पब्लिक क्लास सॉल्यूशन दे रखी है. ओके, सो यहाँ पर कुछ हमें एक मेन मेथड दे रखा है, हमें एक सॉल्व मेथड दे रखा है, और हमें यहाँ पर एक स्कैनर का ऑब्जेक्ट दे रखा है. ठीक है, तो अगर मैं बात करूं मेन मेथड की, तो पहले मेन मेथड का, क्योंकि कोड का एग्जीक्यूशन मेन मेथड से स्टार्ट होता है, मेन मेथड से स्टार्ट करेंगे. ठीक है, तो सबसे पहले हमें एक डबल यहाँ पे वेरिएबल डिफाइन किया गया है मील कॉस्ट. इनपुट एक्चुअली हमें दे रखा है इसने, मतलब जो इनपुट लेने की जो लाइन है पहले से गिवन है, तो हमें इनपुट के लिए मतलब अपनी कोड लिखने की जरूरत नहीं है. और इसके बाद नेक्स्ट अगर हम बात करें तो हमारा जो मेथड है सॉल्व, उस मेथड को यहाँ पे कॉल किया गया है. ठीक है, तो सॉल्व के अंदर यहाँ पे तीन वेरिएबल, ओके वेर इज सॉल्व, Here it is. तो यहाँ पर आइए, तो स्टैटिक बनाया गया है. ठीक है, स्टैटिक void solve, पहला वेरिएबल होगा आपका डबल, दूसरा होगा इंटीजर, तीसरा भी होगा इंटीजर. ठीक है, तो इसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर देखिए वैल्यूज पास की गई है. पहला डबल होगा मतलब मील कॉस्ट, दूसरा इंटीजर मतलब टिप परसेंटेज, और तीसरा टैक्स परसेंटेज. ठीक है, यहाँ पर अगर एक चीज पर और हम ध्यान देते हैं, जैसे स्कैनर डॉट स्केप लिखा हुआ है, स्केप एक मेथड होता है स्कैनर का ही. ठीक है, ये करता क्या है कि जो भी हम इसके अंदर पैटर्न डालेंगे, ठीक है, तो ये उस पैटर्न को स्किप कर देगा, मतलब इनपुट में नहीं लेता है. यहाँ पर अगर हम ध्यान दें तो हमें कुछ ये पैटर्न दिया गया है जो कि एक रेगुलर एक्सप्रेशन है, आप कह सकते हो एज अ रेगुलर एक्सप्रेशन. ओके, सो एक्चुअली ये है क्या, वैसे हमें करना तो कुछ नहीं है इसमें चेंजेस, मेन मेथड में कोई चेंजेस नहीं करने हैं, जो भी चीज़ हमें कोड करना है वो सॉल्व मेथड के अंदर करना है. ठीक है, तो पहले हम कोड को सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद हम देखेंगे कि ये स्किप मेथड क्यों लगाया गया है. एक्चुअली इसका हमें कुछ करना नहीं है, बट फिर भी एक बार जस्ट फॉर इंटरेस्ट कि भाई क्यों लगाया गया है या ये चीज़ क्या कह रही है, ये हम बाद में देखते हैं. तो चलिए हम सॉल्व मेथड के अंदर कोड लिखना शुरू करते हैं.
तो सबसे पहले हम लोग एक डिफाइन कर लेते हैं इंटीजर में हमारा जो टोटल कॉस्ट होगा, क्योंकि हमें एक इंटीजर चाहिए टोटल कॉस्ट। तो हम टोटल कॉस्ट को एक इंटीजर लेके इसको इनिशियलाइज कर देते हैं जीरो से, क्योंकि यहाँ पर देखिए एक बार, क्योंकि हमें जो आउटपुट में जो 15 चाहिए, 15 पॉइंट समथिंग नहीं चाहिए होगा, तो दैट्स व्हाई मैं इसको इंटीजर ले रहा हूँ। ठीक, और जो मेरा जो टिप होगा वो मैं डबल में लूंगा, क्योंकि कैलकुलेट करेंगे परसेंटेज तो वो डबल में ही आएगा, मतलब डेसिमल्स में आएगा। तो जो टेक्स्ट होगा वो भी कैलकुलेट करने का डेसिमल्स में होगा। तो हम टिप कैलकुलेट करते हैं। तो टिप कैलकुलेट करने के लिए मैं लिखूंगा टिप इक्वल देन जो भी हमारा मील कॉस्ट है, मील कॉस्ट इंटू जो भी हमारा टिप परसेंटेज है, टिप परसेंटेज एंड डिवाइडेड बाय 100। ओके, सो ये फॉर्मूला होता है हमारे पास। यहाँ पर देखिए, टिप जो भी मतलब मील कॉस्ट इंटू में जो भी हमारा परसेंटेज है डिवाइडेड बाय 100। ठीक है, तो यहाँ पर होगा क्या, देखिए यहाँ पे पहले जो एस्टेरिक है ये मतलब मल्टीप्लाई के लिए ऑपरेटर है, यहाँ पे डिवाइड के लिए है हमारे पास। और ठीक है, तो ये लेफ्ट से राइट जो उसकी प्रेसिडेंस होती है लेफ्ट टू राइट होती है, तो पहले ये होगा फिर ये कैलकुलेट होगा, मतलब पहले मल्टीप्लीकेशन होगी देन डिविजन परफॉर्म होगी, तो हमारे पास टिप आ जाएगी। देन हम कैलकुलेट करते हैं टैक्स इसी तरीके से। तो हम लिखते हैं मील कॉस्ट इंटू जो भी हमारी है टैक्स परसेंटेज, तो एंड डिविजिबल बाय 100। अब इसके बाद हमें टोटल कॉस्ट कैलकुलेट करनी है, तो टोटल कॉस्ट के लिए हम लिखेंगे टोटल कॉस्ट इक्वल्स टू, क्योंकि देखिए टोटल कॉस्ट निकालने के लिए ये तीनों का सम होगा, जो भी हमारी मील कॉस्ट होगी प्लस जो भी हमारी टिप होगी प्लस जो भी हमारा टैक्स होगा। ठीक है, यहाँ पे एक चीज ध्यान देंगे हम लोग, क्योंकि जो टोटल कॉस्ट है ये एक इंटीजर में ले रहे हैं हम लोग, बट मील कॉस्ट और बाकी चीजें ये सारी डबल में है, तो इसे हम क्या करेंगे, इसे हम टाइप कास्ट करेंगे। तो मैं पूरे पे ब्रैकेट लगा देता हूँ यहाँ पर, इसके आगे हम लिख देंगे टाइप कास्ट करके एंड। ओके, सो उसके बाद हमें एक सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, और यहाँ पर हमें आउटपुट में चाहिए होगा ये चीज, तो यहाँ से कॉपी करते हैं एज इट इज और यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। तो हमने आपसे ये चीज कॉपी की ऊपर से और पेस्ट कर दी। अब यहाँ पे 15 की जगह पे मुझे ये टोटल कॉस्ट वेरिएबल चाहिए, तो मैं इसके लिए क्या करूँगा, यहाँ पर इसको हटा के यहाँ पे 2++, ताकि मेरा जो भी टोटल कॉस्ट वेरिएबल मैं यहाँ पे लिख सकूँ, देन टोटल कॉस्ट। ठीक है, तो आई थिंक कोड पूरा हो चुका है, चलिए इसे एक बार रन करके देखते हैं। ओके, सो कॉन्ग्रेचुलेशंस, तो हमारा आउटपुट बिल्कुल सही आ रहा है। ठीक है, तो एक चीज सभी लोग ध्यान देंगे यहाँ पर कि हमें ये टाइप कास्ट करना पड़ेगा यहाँ पर, तभी हमारे पास प्रॉपर आउटपुट आएगा। ठीक है, तो चलिए इसको सबमिट कर देते हैं कोड को। ओके, सो देयर इज वन टेस्ट केस फेल, सो इट सेज टोटल मील कॉस्ट इज $13। सो ओके, तो चलिए देखते हैं प्रॉब्लम क्या क्रिएट हो रही है एक्चुअली। देखिए, अगर मान लीजिए मेरी टिप 10.25 है और 17 मेरा मतलब उसका टिप परसेंटेज है, तो आउट मतलब जो टोटल निकलता है वो ये आता है, एंड टैक्स के लिए मेरे पास ये आता है। अगर मैं इन दोनों का मतलब टोटल कॉस्ट मतलब मील कॉस्ट और टिप और टैक्स तीनों का ऐड करते तो हमारा आता है 12.5.5, जो कि अगर हम बात करें राउंड ऑफ की, तो राउंड ऑफ करने पर क्योंकि ये 5.05 है, तो दिस इज मोर क्लोजर टू 13 रेदर देन 12। ठीक है, तो राउंड ऑफ का जो मतलब मैथमेटिक्स, अगर आप थोड़ा मैथमेटिक्स में ध्यान देंगे, तो कहता है कि जो राउंडिंग ऑफ करते हैं वो नियरेस्ट इंटीजर के लिए करनी है हमें, मतलब नियरेस्ट जो नंबर होगा उसका। ठीक है, तो अगर मैं बात करूँ 12.505 की, तो ये नियरेस्ट 13 है, तो आउटपुट हमारा 13 आना चाहिए ना कि 12। तो देखिए इसका सॉल्यूशन क्या हो सकते हैं, चलिए करते हैं। ओके, तो हम वापस कोड पे आ गए हैं। सो हमें करना क्या है, चलिए देखिए हम क्या कर सकते हैं कि इसके लिए हमारे पास मैथ क्लास के अंदर एक राउंड का फंक्शन होता है जो राउंड अप परफॉर्म करता है हमारे लिए। तो मैं यहाँ पे रेदर देन डूइंग दिस मैं लिखता हूँ मैथ डॉट राउंड। ओके, सो जो भी ये वैल्यू ऐसे राउंड ऑफ कर देगा, और क्योंकि ये मैथ राउंड का जो फंक्शन है ये हमें एक लॉन्ग देता है, तो मेरे को अपनी टोटल कॉस्ट को जो है वो लॉन्ग में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है,
तो चलिए अब इसको एक बार कोड को रन करके देखते हैं, फिर देखते हैं कि हमारा आउटपुट सही आता है या नहीं। ओके, तो फर्स्ट केस रन कर रहा है, सबमिट करके देखते हैं एक बार। ओके, सो कॉन्ग्रेचुलेशंस, तो हमारा कोड फाइनली वर्क कर गया है। तो जो टेस्ट केस हमारा 3 फेल हो रहा था उसके अंदर अगर हम ध्यान दें, अब हमारा आउटपुट बिल्कुल 13 एग्जैक्टली करेक्ट आ रहा है, ठीक है, मतलब सही आ रहा है। ओके, तो चलिए एक बार फोकस करते हैं हम लोग ये स्कैनर डॉट स्किप मेथड के ऊपर कि ये कर क्या रहा है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे ध्यान दें तो ये कोई पैटर्न है, मतलब ठीक है। तो अगर मैं बताऊं तो ये आपका एक रेजेक्स है, रेजेक्स मीन्स रेगुलर एक्सप्रेशन। ओके, सो रेगुलर एक्सप्रेशन है ये, किस चीज का रेगुलर एक्सप्रेशन है, चलिए ये देखते हैं हम लोग, ठीक है। तो एक्चुअली ये है क्या पैटर्न, ये एक लाइन सेपरेटर पैटर्न होता है जो कि जावा यूज करता है। इसमें देखिए फर्दर डिटेलिंग है कि अगर मैं बैकवर्ड स्लैश और बैकवर्ड स्लैश एन की बात करता हूँ, ये विंडो लाइन एंडिंग के लिए होता है, नेक्स्ट वाला यूनिक्स के लिए है, नेक्स्ट आपका जो है मैकिंटोश लाइन एंडिंग के लिए हो गया, ये लाइन सेपरेटर होता है, बैक स्लैश यू 2028, तो ये लाइन सेपरेटर्स के पैटर्न है। तो ये हमने इसलिए डाला है कि इनमें से अगर कोई भी चीज एनकाउंटर होती है इनपुट लेते वक्त, मतलब कोई भी लाइन सेपरेटर हमारे पास आता है, तो हम उसे स्किप कर दें, मतलब इनपुट में वो हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट ना करें। तो इसलिए हम लोग लाइन सेपरेटर का यूज करते हैं और हम स्किप मेथड का यूज करते हैं वहां पर, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, तो थैंक यू।